नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल AS Mention। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं। इस कंपैरिजन वीडियो को हर वो पर्सन देखना चाहता है जिसे एक 4G LTE सिम राउटर परचेज करना है, क्योंकि MR200 और MR600 की प्राइस में लगभग 4000 रुपये का फर्क है। MR200 हमारा मिड सेगमेंट राउटर है और MR600 मोस्ट एक्सपेंसिव एंड बेस्ट राउटर है। तो आज हम यही यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि आपको MR200 परचेज करना चाहिए या फिर MR600 परचेज करना चाहिए 4000 रुपये एक्स्ट्रा दे करके। तो इस वीडियो में टोटल कंपैरिजन करने वाले हैं, चाहे वो इसके डिजाइन की बात हो या लुक की बात हो या स्पेसिफिकेशंस की बात हो या फिर स्पीड टेस्ट की बात हो, सारे ही डाउट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और ये टोटल कंपैरिजन वीडियो होने वाला है MR200 और MR600 का। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा MR200 और MR600 राउटर है। अगर आप इन दोनों से किसी भी राउटर को परचेज करना चाहते हैं, इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन दोनों राउटर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर हम दोनों राउटर के डिजाइन एंड लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जो फर्क देखने को मिलता है वो इसकी साइज का है। MR200 राउटर जो है हमारा, वो थोड़ी सी छोटी साइज का है, और जो हमारा MR600 राउटर है उसकी साइज MR200 राउटर से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। अगर हम दोनों राउटर को बैक साइड से देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई भी मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे एक डिफरेंस है, MR200 राउटर में आपको पावर ऑन ऑफ की बटन नहीं प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो हमारा MR600 राउटर है यहाँ पे आपको सारे फीचर्स के साथ एक एडिशनल पावर ऑन ऑफ की स्विच भी प्रोवाइड की जा रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इन दोनों में मिलने वाला डिटेचेबल एंटीना भी सेम है। इन दोनों ही राउटर के एडाप्टर्स में भी आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों ही एडाप्टर्स के कनेक्टर सेम है। तो अब अगर बात करते हैं इन दोनों राउटर्स के स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है वो ये है कि हमारा जो MR200 राउटर है वो 4G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, और जो हमारा MR600 राउटर है वो 4G प्लस की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से MR600 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है। इसी वजह से MR600 राउटर में आपको 300 Mbps तक की डाउनलोड स्पीड एंड 50 Mbps की अपलोड स्पीड मिल जाती है। अगर वहीं बात करें हम MR200 राउटर की, तो यहाँ पे आपको 150 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 50 Mbps की अपलोड स्पीड मिल जाती है। अगर हम दोनों राउटर के प्रोसेसर्स की बात करें तो MR200 राउटर में आपको MediaTek प्रोसेसर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि MR600 राउटर में आपको Snapdragon प्रोसेसर प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो हमारा MR200 है वो AC750 डुअल बैंड राउटर है, जबकि MR600 हमारा AC1200 डुअल बैंड राउटर है। और MR600 राउटर में आपको YAMU MIMO टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से आपको बेटर एंड स्टेबल वाईफाई कनेक्टिविटी मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं उस कंपैरिजन की जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो है हमारा स्पीड टेस्ट, क्योंकि इन दो राउटर्स को हम अच्छी इंटरनेट स्पीड पाने के लिए ही परचेज करते हैं। तो चलिए अभी दोनों ही राउटर्स की हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं हमें कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है MR200 और MR600 की इंटरनेट स्पीड में। तो लेफ्ट साइड हमारा MR600 राउटर रखा हुआ है और राइट साइड में हमारा MR200 राउटर रखा हुआ है, और स्पीड टेस्ट करने के बाद मैं आपको चेक भी करा दूंगा। तो चलिए अभी इन दोनों राउटर्स के हम स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने अपने MR600 राउटर में एयरटेल का सिम इंसर्ट किया हुआ है, तो चलिए राउटर से लैपटॉप को कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करके मैं आपको ये भी चेक करा दूंगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारा लैपटॉप किस राउटर से कनेक्टेड है। और आप ये भी चेक कर लीजिए कि अभी हमने अपने लैपटॉप को MR600 के 2.4 GHz से कनेक्ट किया है, और जब हम MR200 का स्पीड टेस्ट करेंगे उस टाइम भी हम MR200 के 2.4 GHz से ही कनेक्ट करेंगे। और हर बार की तरह ये स्पीड टेस्ट वीडियो भी हम अनकट रखने वाले हैं। तो अभी हमने राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन कर लिया है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि अभी हमारा लैपटॉप MR600 राउटर से ही कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम आपको MR600 राउटर की स्पीड टेस्ट करके दिखाते हैं और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है MR600 राउटर का। स्पीड टेस्टिंग के लिए हम ओकला का यूज करने वाले हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा राउटर एक बार डिस्कनेक्ट हो गया है, फिर से हम दोबारा से राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं। और कनेक्ट करने के बाद मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में जब हमने दोबारा से कनेक्ट किया है तब हमारा लैपटॉप किससे कनेक्टेड है। पेज को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि अभी भी हमारा राउटर MR600 से ही कनेक्टेड है और यहाँ पे 4G प्लस शो हो रहा है। तो चलिए अब हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले बताया था, स्पीड टेस्ट के लिए हम ओकला का यूज करने वाले हैं।
फर्स्ट राउंड में हमारे MR600 की डाउनलोड स्पीड 29.02 Mbps आई है और अपलोड स्पीड 14.92 Mbps आई है और जो पिंग है वो 24 MS की है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसकी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और दोनों स्पीड टेस्ट में जो बेस्ट स्पीड रहेगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो सेकेंड राउंड में हमारे MR600 की डाउनलोड स्पीड 26.64 Mbps है और अपलोड स्पीड 13.90 Mbps है और पिंग 24 MS की है। तो इन दोनों में से बेस्ट स्पीड हमारी पहले वाली थी क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारी डाउनलोड स्पीड 29.02 Mbps की थी और अपलोड 14.92 Mbps था, इसलिए हम पहले वाली ही स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं और हमारे MR200 राउटर में जो बेस्ट स्पीड रहेगी उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो अब हम सेम सिम निकाल करके जो कि हमारे MR600 राउटर में लगा हुआ था उसी को हम अपने MR200 राउटर में इंसर्ट कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, ये वही सिम है जिसे हमने अपने MR600 राउटर से निकाला हुआ है। तो चलिए अब इस एयरटेल के सिम को हम अपने MR200 राउटर में भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने सिम को इंसर्ट कर लिया है, अब आपको मैं इसके बैक साइड से भी चेक करा देता हूँ कि ये हमारा MR200 राउटर ही है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये हमारा MR200 राउटर है। एक बार मैं इसको पास से आपको चेक करा देता हूँ। तो यहाँ आप चेक कर लीजिए, ये हमारा MR200 राउटर ही है। तो थोड़ा सा इसके हम ऑन होने का वेट कर लेते हैं। तो अभी हमारा MR200 राउटर ऑन हो चुका है। तो जैसे कि हमने MR600 में 2.4 GHz से ही कनेक्ट किया था तो उसी तरह से हम MR200 राउटर को भी 2.4 GHz से ही कनेक्ट करेंगे। और अब मैं आपको राउटर का कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन करके भी चेक करा देता हूँ कि प्रेजेंट टाइम में हमारा लैपटॉप किस राउटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि जो हमारा लैपटॉप है वो MR200 से ही कनेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा जूम आउट होने में इशू आ रहा था जिसकी वजह से हमने वीडियो को फॉरवर्ड किया है। तो यहाँ पे आप फिर से चेक कर लीजिए, अभी हमारा लैपटॉप MR200 से ही कनेक्ट है। और मैं आपको एडवांस सेटिंग में जाकर के भी चेक करा देता हूँ कि यहाँ पे बैंड सिलेक्शन ऑटो पे है, हमने यहाँ पे कोई बैंड लॉकिंग नहीं की हुई है। तो चलिए अब हम MR200 की भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं और स्पीड टेस्ट के लिए हम ओकला का यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारी MR200 की डाउनलोड स्पीड है वो 12.60 Mbps की है और अपलोड स्पीड 1.15 Mbps की है और पिंग 52 MS की है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है हमें MR200 और MR600 की इंटरनेट स्पीड में। तो चलिए अब सेकेंड अटेम्प्ट में भी MR200 की स्पीड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड अटेम्प्ट में हमारी डाउनलोड स्पीड आई है वो 11.57 Mbps की है और अपलोड स्पीड 1.24 Mbps की है और पिंग 52 MS की है। तो जो हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट की स्पीड थी वो सेकेंड अटेम्प्ट से ज़्यादा बेटर थी, इसलिए हम फर्स्ट अटेम्प्ट की ही स्पीड को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमें मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वो इसलिए है कि जो हमारा MR200 राउटर है वो 4G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और जो हमारा MR600 राउटर है वो 4G प्लस की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। और जो हमारी 4G प्लस की टेक्नोलॉजी होती है ये दो बैंड को कंबाइन करके आपको इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती है, जिस वजह से आपको लगभग इंटरनेट स्पीड दो गुना की मिलती है MR200 के कंपैरिजन में। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं MR200 और MR600 की इंटरनेट स्पीड में और दोनों की इंटरनेट स्पीड को हमने स्टॉक एंटीना पे ही चेक किया है, जहाँ पे हमारे MR200 की डाउनलोड स्पीड 12.60 Mbps और अपलोड स्पीड 1.15 Mbps आई है। वहीं पे हमारी MR600 की डाउनलोड स्पीड 29.02 Mbps और अपलोड स्पीड 14.92 Mbps की आई है, जबकि हमने इसे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे और सेम सिम पे टेस्ट किया है। और इस पूरे स्पीड टेस्ट की वीडियो को हमने अनकट रखा है जिससे कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न क्रिएट हो। और अब मैं इन दोनों राउटर्स को बैक साइड से चेक भी करा देता हूँ जिससे कि आप लोगों के मन में कोई भी डाउट न रह जाए। तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला राउटर है वो हमारा MR600 राउटर है। राउटर के बैक साइड में इसका मॉडल नेम लिखा गया है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, ये हमारा MR600 राउटर है। और जो राइट साइड में रखा हुआ है वो हमारा MR200 राउटर है, इसके भी बैक पैनल पे इसका मॉडल नेम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कितना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है MR200 और MR600 की इंटरनेट स्पीड में। ये मेन डिफरेंस हमें इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो हमारा MR600 राउटर है वो 4G प्लस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और जो हमारा MR200 राउटर है
वो केवल 4G टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है और कुछ डिफरेंस इसके प्रोसेसर का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से MR600 की स्पीड काफी ज्यादा कमाल की हो जाती है। तो अगर आप हमसे पूछते हैं MR600 में 4000 रुपया एक्स्ट्रा लगाना वर्थ है या नहीं, तो बिल्कुल वर्थ है। अगर आपको हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप MR600 परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको केवल नॉर्मल यूज करना है तो उस केस में आप MR200 पे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मिड सेगमेंट में काफी बेहतरीन राउटर है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में आ रही बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।